ये एलेक्सा ही वेरिएंट है, एलेक्सा ये मिड वाला मॉडल है, तो इसकी प्राइसिंग कुछ है 6,04,000 समथिंग की। साइड वाली चीज़ मैं आपको जरा के देखूँ, यहाँ पर आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन दिख रहा है मुझे। आइडियल स्टार्ट स्टॉप का मतलब ये होता है कि 180 सेकंड का उन्होंने गैप दिया है। जैसे आप सिग्नल पर खड़े होते हो तो इंडिया के मैक्सिमम सिग्नल 180 के नीचे ही होते हैं, तो 180 सेकंड के बाद अगर आप जैसे कि क्लच प्रेस करेंगे तो क्लच प्रेस करते से गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। स्टेयरिंग में उन्होंने यहाँ पे कुछ डिजाइन वगैरह देने की कोशिश करी है, ये होंडा में आता है। फैमिली ओरिएंटेड कार की अगर बात करते हैं, बजट फ्रेंडली कार की बात करते हैं, जो मेंटेनेंस फ्री गाड़ी की बात करते हैं, हम जैसे तो सुजुकी लोगों की एक पहली पसंद होती है भारत में। तो आज हम एक्सप्रेसो के लिए रिव्यू करने आए हैं। आज का वीडियो है इंडिया की सबसे चहेती कंपनी मारुति सुजुकी की एस्प्रेसो का। ये कलर थोड़ा सा एंटी लगा इसलिए आज ये वीडियो मैं बनाने के लिए आया हूँ। तो ये कलर अभी तक मार्केट में देखा तो नहीं गया है। हमको विवेक सर मिले यहाँ पे, जो गाड़ी के बारे में थोड़ा सा हमको बताएंगे। आज रिपोर्ट है कि गाड़ियाँ बहुत एक्सीडेंटल हो रही है। आज इंडिया में क्यों इस गाड़ी को देखना चाहते हैं, मारुति क्यों आ रही है इन सब चीज़ों में? कि एक तो जीरो मेंटेनेंस की गाड़ी है सबसे पहली चीज़, दूसरी चीज़ लो बजट व्हीकल्स हैं सारे, मतलब मारुति के अगर अरिना चैनल की बात करें तो उनके पास मिड साइज से लेके और एसयूवी एमयूवी सेगमेंट तक गाड़ी है। मतलब गाड़ी क्यों खरीदना चाहिए? देखिए एक्चुअली मारुति की गाड़ी को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस इसलिए दिया जा रहा है, मतलब आप ऑल्टो 800 भी जा सकते हो, उसके बाद अगर उस सेगमेंट से जाएँ तो 800 cc की गाड़ी है, फिर उसी के सेगमेंट में बढ़ती हुई गाड़ी है ऑल्टो 800, ऑल्टो K10 है अपने पास 1000 cc, उसके बाद एस्प्रेसो है, सेलेरियो है, तो मतलब एक मिड साइज रेंज में है। फीचर वाइज अगर देखेंगे तो सब में अपने अपने अंदर खूबियाँ हैं, जैसे ये एक मसल लिखना आती है। बहुत लोगों ने मारुति को कंपेयर किया है, सारी कंपनियों से कंपेयर किया, माना टाटा अच्छी गाड़ियाँ बना रहा है, लेकिन फिर भी आज की तारीख में इंडिया की पसंद मारुति ही है। मारुति सुजुकी आज की तारीख में सबसे बजट फ्री कार बनाता है, जिसको आपको लेने के पहले सोचना नहीं पड़ता। कुछ लोग इसके मेंटेनेंस से बहुत पुराना खुश हैं कि ये मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं निकालती, तो हाँ ये बात है कि गाड़ी कम मेंटेनेंस निकालती है। ये एलेक्सा ही वेरिएंट है मारुति का, ये इसका बेजिंग है सुजुकी का, और यहाँ पर एक बेसिक सी ग्रिल दी है, क्योंकि एलेक्सा ये मिड वाला मॉडल है, तो इसकी प्राइसिंग कुछ है 6,04,000 समथिंग की। तो 6,04,000 के सेगमेंट में इससे अच्छी गाड़ी मेरे ख्याल से लोग इसको ऑप्शनल में रखना भी पसंद करते हैं। कुछ लोगों के लिए फैमिली कार होती है ये, तो उस हिसाब से बहुत बढ़िया गाड़ी लगी। तो आज इसके मैं कलर के लिए इस गाड़ी का वीडियो बनाने के लिए मेन तो आया हूँ। दूसरा, इसके टायर्स वगैरह जो हैं वो R14 है, जो कि यहाँ पर मेंशन है इसका R14, 14 इंचेस के टायर हो जाते हैं यहाँ पर इसके, और इस सेगमेंट में इसकी बॉडी लाइन के हिसाब से जो उसने टायर दिए हैं बहुत परफेक्टली साइज है। मतलब ये इसकी हेडलाइट्स वगैरह जो कि बेसिक इसके कलर्स कुछ आजकल ऐसे ही निकल रहे हैं, ऑरेंज रेड और इस टाइप के कलर्स हैं इसके, बट ये ब्लैक कलर एक बहुत एंटिक लुक दे रहा है यहाँ पर। इसमें फॉग लैंप्स वगैरह नहीं है नीचे, ये एक बेसिक से इसके जो दिए हैं ये इसके फॉग लैंप्स यहाँ पर दिए नहीं है, शायद लगा सकते हैं, आफ्टर मार्केट फिटिंग हो सकती है। और दूसरा ये कि यहाँ पर एक मैट फिनिश का इन्होंने बम्पर दिया, और बॉडी का लुक जो है वो ग्लॉसी है, इंडिकेटर्स वगैरह सब बेसिक है। साइड मिरर इंडिकेटर्स नहीं है इसके अंदर, तो अब शायद हो सकता है इस मॉडल के हिसाब से देते हैं या नहीं देते। इसके अंदर की थोड़ी सी बात करते हैं, गेट थोड़ा सा हेवी है इसका, मेरे ख्याल से ये वेगनार वाला जो है एक लुक, गेट का इतना बड़ा साइज़ तो ये वेगनार वाला गेट होगा। तो ये हो जाता है आपके बेसिक हैंडल्स वगैरह हो जाते हैं यहाँ पर, ये लॉक अनलॉक बटन हो जाता है, और अंदर काफ़ी स्पेस दी है इन्होंने गाड़ी में। और मारुति अल्टो K10 और अल्टो 800 के मुकाबले इसमें स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा है, और अच्छी स्पेस में फील भी कर रहा हूँ बैठने में। तो ये हो जाते हैं इसके गियर सिस्टम्स, 5 गियर्स हैं गाड़ी के अंदर, और यहाँ इसके जो बेसिक जो देते हैं एसी के पूरे कंट्रोल्स वगैरह यहाँ पर आ गए। इसके एसी ऑन ऑफ बटन हो जाता है यहाँ पर, दूसरा 4 इंडिकेटर स्विच हो जाता है यहाँ पर, अप डाउन बटन यहाँ से कर दिया उन्होंने अच्छा, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम थी, तो उन्होंने अपना डिज़ाइन जो है मारुति ने उस हिसाब से मेरे ख्याल से यहाँ पे उन्होंने दिया। ये यहाँ से लेफ्ट वाले के लिए अप डाउन ये हो जाता, राइट ये हो जाता, और यहाँ पे म्यूज़िक प्लेयर फिटेड है। इस वाले मॉडल में स्क्रीन आपको आफ्टर मार्केट लगवानी पड़ती है, छोटी सी डिस्प्ले देते हैं। और दूसरा ये इसका मीटर हो जाता है, मैं आपको चालू करके भी दिखाऊँगा ये, और ये इसका स्टीयरिंग हो जाता है। और इस मॉडल में भी इन्होंने एयरबैग दिए हैं ये वाला, तो 5 से 6 लाख की रेंज में ये गाड़ी में एयरबैग दिए हैं, तो मेरे ख्याल से बेस्ट गाड़ी आपकी फैमिली कार है। जो लोग ऑप्शनल्स में चाहते हैं तो उसके लिए भी एक बढ़िया गाड़ी हो जाती है ये। और यहाँ पे 12 वाट का चार्जिंग सॉकेट दिखाई दे रहा है हमें, तो यहाँ से ओपन होता है ये, इसका 12 वाट का चार्जिंग सॉकेट हो जाता है गाड़ी में। और साइड वाली चीज़ मैं आपको उधर आके दिखाऊँ, यहाँ पर आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन दिख रहा है मुझे, ये चीज़ इसके अंदर यहाँ पर। आइडियल स्टार्ट स्टॉप का मतलब ये होता है कि 180 सेकंड का ये जो बड़ी गाड़ियों में आता है एक्चुअल में, पर ये छोटी गाड़ी में इसमें 180 सेकंड का उन्होंने गैप दिया है। जैसे आप सिग्नल पर खड़े होते हो तो इंडिया के मैक्सिमम सिग्नल 180 के नीचे ही होते हैं, तो 180 सेकंड अगर आप जैसे कि क्लच प्रेस करेंगे
तो क्लच प्रेस करते थे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ये मेनली मैंने स्कॉर्पियो वगैरह में महिंद्रा की काफ़ी गाड़ियों में देखा, तो ये एक इसका वो चीज़ हो जाती है। स्टेयरिंग में उन्होंने यहाँ पे कुछ डिज़ाइंस वगैरह देने की कोशिश करी है, ये होंडा में आता है। तो दूरा उन्होंने चेंजेस करने के हिसाब से दिया है, ये अपना नॉर्मली वाइपर के पूरे सिस्टम्स वगैरह हो जाते हैं इसमें, और यहाँ पर इंडिकेटर का हो जाता है। तो ये इसकी कुछ इंटीरियर की बातें हो जाती है, और यहाँ पर आपके ये जो दिया उन्होंने बेसिक से ऑन ऑफ लाइट वगैरह अंदर के लिए, मिरर एडजस्टमेंट हो जाते हैं यहाँ पर इसके, और साइड ग्लास एडजस्ट करने के लिए इसमें कोई ऑटोमेटिक स्विच नहीं है, इसमें ये बेसिक जो आपको करना पड़ता है। 5 से 6 लाख की गाड़ी के हिसाब से ठीक है, मोटर वगैरह नहीं दे सकते वो, फिर भी उन्होंने ये आइडिया स्टार्ट स्टॉप बटन दे दिया है, और ये कुछ चीज़ें जो यहाँ पर मतलब एक बेसिक में उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बनाने की कोशिश करी है, स्पेशियस बनाने की कोशिश करी है गाड़ी को। यहाँ पर स्पेस हो जाती है, यहाँ पर कप होल्डर्स हो जाते हैं आपके, ये तो आपके हैंडब्रेक्स वगैरह बेसिक से जो होते हैं वो ही जाते हैं, तो काफ़ी स्पेशियस बनाने की कोशिश करी है कुल मिला के। सीट कवर्स इसके कपड़े के हैं और अच्छी क्वालिटी के हैं, तो बैठने में भी कंफर्ट फील हो रहा है इसमें। और यहाँ पर स्पीकर्स हो जाते हैं इसके इलेक्ट में, हम इसकी पीछे की सीट की बात करते हैं। पीछे की सीट में बहुत बहुत ज़्यादा स्पेस है, मतलब अकॉर्डिंग टू द मॉडल ये बहुत ज़्यादा स्पेस है, मैं कुछ कंजेस्टेड फील नहीं कर रहा हूँ यहाँ, और मेरा नहीं अभी भी लेग स्पेस बची है, तो काफ़ी कम्फर्टली मैं बैठ सकता हूँ यहाँ पर। पीछे की ये सीट बेल्ट वगैरह हो जाते हैं जो अभी भी लगे हुए हैं, कई गाड़ी शोरूम पर खड़ी है तो भी, तो पीछे उसमें कुछ वो नहीं दिया हुआ है, लाइट वगैरह का कुछ ऑप्शन यहाँ दिया नहीं है, और यहीं पे इसकी डिक्की वगैरह हो जाती है। तो बूट स्पेस अभी हम आपको चल के दिखाएंगे, ये बूट स्पेस की बात हो जाती है, बूट स्पेस आगे से ओपन करेंगे इसकी। और पीछे के जो ये हैं मिरर अप डाउन, ये बेसिक वाले दिए हैं, मैनुअल दिए हैं, आगे ऑटोमेटिक दिए हैं। ये LXi मॉडल है, और इसके जो ऊँचा मॉडल आता है VXi उसके अंदर चारों ही ऑटोमेटिक होते हैं। ये इसका पेट्रोल का स्विच, पेट्रोल का ढक्कन खोलने के लिए यहाँ से हो जाता है, ये डिक्की खोलने के लिए हो जाता है इसका। ये बात करते हैं इसके बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस में इन्होंने यहाँ पर जेक वगैरह दिया है जो बाहर ही रखे हुए हैं। नीचे इसका एक स्पेयर व्हील भी है जो R14 का ही होगा मेरे ख्याल से, हाँ इसमें R14 का ही है वे स्पेयर व्हील भी, ये स्पेयर व्हील की जगह हो जाती है। बजट के हिसाब से इस गाड़ी में जो स्पेस है वो मेरे हिसाब से तो काफ़ी सफिशियंट है, अगर ऑप्शनल गाड़ी देखें या फैमिली कार के हिसाब से देखते हैं इस गाड़ी को तो काफ़ी अच्छी स्पेस है गाड़ी में। पीछे में इस गाड़ी में एक वाइपर की कमी बस लग रही थी, बट शायद इसका फिटिंग मेरे ख्याल से इसमें मिल जाना चाहिए, एक पीछे वाइपर लग जाएगा तो शायद टॉप वेरिएंट में आता भी होगा। ये इसके स्टॉप लैंप्स हैं यहाँ पर गाड़ी के, बात है कि गाड़ी कंपेंडेटर्स निकालती है और बिल्कुल गाड़ी अफोर्डेबल रहती है, हर कोई इसको ले सकता है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। और कलर जो है मारुति हमेशा एक नए कलर के साथ आ रहा है, कुछ चटकीला ब्लू हो गया, रेड हो गया, यहाँ पर अलग अलग गाड़ी आपको खड़ी हुई दिख रही है, तो एक कलर वेरिएंट्स में मारुति जो है बहुत अपग्रेड कर रहा है, लोग इससे भी बहुत अट्रैक्ट होते हैं, नए नए कलर्स वगैरह आ जाते हैं जो मारुति में। तो इसमें चीज़ें भले ही बेसिक है लेकिन जो मारुति जो शेप बदल रहा है अपनी गाड़ियों के, स्पेस बढ़ा रहा है, बहुत सारी चीज़ों में मारुति आगे बढ़ रहा है। थोड़ी सी क्वालिटी को लेकर बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, हमने भी कुछ वीडियोज़ देखे हैं, परेशानी की सारी गाड़ियाँ ख़राब हैं मारुति की। मारुति की कुछ सेफ्टी रेटिंग्स भी हैं, तो अगर आप चाहते हैं और आप सोच रहे हैं गाड़ी लेना तो बिल्कुल मत सोचिए, 5 से 6 लाख में आपको इतनी स्पेशियस गाड़ी, कंफर्टेबल गाड़ी, सिटी में कहीं भी निकल सकती है, ये अटकने का कोई चांस नहीं आता ऐसी गाड़ियों में। और मतलब आपको एकदम एग्जर्शन नहीं रहेगा ड्राइविंग वगैरह करते समय, कोई एग्जर्शन नहीं रहता। बड़ी गाड़ियाँ जो ट्रैफिक में फंस जाती है, बड़ी सिटीज़ हो गई, पुणे मुंबई हो गई, वहाँ के लिए छोटी गाड़ियाँ कहीं से भी निकल जाती है, लोगों का सोचना है तो बहुत बढ़िया सोचना है, ऐसी गाड़ियाँ आपको अफोर्ड करनी चाहिए जो कि बजट फ्री रहती है और आपको सर्विसिंग वगैरह में भी कोई इशू नहीं आता। और अभी तक जो मैंने इस गाड़ी को देखा है इसमें ये वाइपर वगैरह मैं बताना भूल गया था, तो ये वाइपर इसमें बेसिक से वाइपर्स हो जाते हैं इसके, मैं आफ्टर मार्केट में अगर क्रोमिंग वगैरह होती है तो मेरे ख्याल सबसे बेस्ट गाड़ी हो जाएगी ये। और इसके टायर वगैरह के सेगमेंट से गाड़ी बहुत प्यारी दिख रही है, इसका दूर से मैं आपको लुक दिखाऊंगा, तो दूर से देखने में गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है। स्टार्ट स्टॉप 14 इंच के अलॉय, स्पेशियस का मेन जो है कलर ब्लैक कलर, इस टाइप की अगर आप गाड़ी कभी प्लान कर रहे हैं घर के लिए तो आप इस गाड़ी को बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत एक रॉयल कलर जिसको बोलते हैं। इसके अंदर क्रोमिंग वगैरह हो जाएगी आफ्टर मार्केट अगर, तो गाड़ी कुछ लुक इसका बदल ही देगा पूरा। तो ये है पूरा गाड़ी का ओवरऑल लुक, और ऊपर जो इसका ये बेसिक वाला एंटीना हो जाता है, जो मारुति की हर गाड़ी में एक बेसिक वाला जो एंटीना लगा होता है वो वाला एंटीना हो जाता है। डोर जो है 60 या 70 डिग्री के वेरिएंट ओपन होता है, बट ये जो है आपको 90 डिग्री ओपन होते हैं। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, ठीक है, उनको बैठने उतरने में चढ़ने में दिक्कत है, कोई व्हील चेयर वाले, तो पूरा डोर ओपन होता है। इसको हमारी लैंग्वेज में इंग्रेस और एंग्रेस बोलते हैं, बैठना और उतरना, ये बहुत कंफर्टेबल है। बाकी अगर आप किसी भी सेगमेंट की अगर गाड़ी में जाते हो तो ये चीज़ आपको उसमें नहीं मिलती है। स्पेस अगर आप देखेंगे तो हेडरूम जो है, अगर मैं अपना आपको बैठ के दिखाता हूँ, तो ये हेडरूम जो है ये हमें मोर देन सफिशियंट मिलता है।
मतलब अगर हाइटेड आदमी भी है तो वो भी गाड़ी में बहुत आराम से बैठ सकता है। बुजुर्गों के लिए तो कोई बात ही नहीं है, लेग रूम हमें गाड़ी में अच्छा मिलता है। बूट की अगर अपन बात करें तो इनिशियली जो इसका बूट है वो 370 लीटर का बूट मिल रहा है इसको आपको। अभी मैंने बूट के बारे में थोड़ा सा बताया भी था, बहुत सारी चीज़ें इसमें बाहर दी है, इसमें अंदर जाती है इनको सेट नहीं किया गया है। अच्छा अच्छा, ये सारी चीज़ों का अलग से सेट किया जाता है। मतलब बूट अगर आप देखें तो अमेरिकन ट्विस्टर वाले जो चार बड़े बैग होते हैं वो आप स्पीड वाइज का आराम से रख सकते हैं। बूट काफ़ी स्पेशियस है, बूट स्पेशियस। दूसरी चीज़ इसमें सबसे अच्छा आपको मिलता है 100% सीट एस्पेक्ट का ऑप्शन, ठीक है। अगर आप ड्राइव करने वाले सिर्फ दो लोग हो, कहीं आउटिंग पे आप जा रहे हो, तो आप पूरा का पूरा बूट्स में कवर कर सकते हो। छोटा कैंपेन जो होता है वो आप रख सकते हैं, कैरी बैग में आप प्रॉपर कैरी कर सकते हैं, एक छोटा मैट जैसे उसको बोलते हैं जो इतना हट बनता है जैसे, वो आप इसमें आराम से कैरी कर सकते हैं। तो एक छोटी फैमिली के हिसाब से देखा जाए तो गाड़ी बहुत अच्छी है। अगर प्राइसिंग की भी बात करूँ तो अराउंड 7 लाख के अंदर फुली लोडेड गाड़ी अपने को मिल जाती है। बहुत सारी गाड़ी के बेनिफिट्स बताएँ, तो इस टाइप की चीज़ें गाड़ी को बहुत अलग बनाती है। मारुति गाड़ी लोगों की, थैंक यू सो मच।